हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में मैं आपको टॉप थ्री ऐसे स्टॉक बताने वाला हूं जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए भी बाय कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म में भी वो स्टॉक्स आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज़ इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज़ ये सारी अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो शेयर है वो है भारती एयरटेल। देखिए, भारती एयरटेल मैंने आपको पिछले दो हफ्ते से मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ और ये तीसरे हफ्ते का भी भारती एयरटेल मेरा पिक होगा। और ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए पिछले दो हफ्ते से लगातार कंसोलिडेशन में, जब इसमें कुछ कार्लाई ग्रुप, कोई किसी ग्रुप ने इसके अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग की थी, उसके बाद से ये शेयर आपको एकदम फ्लैट पड़ा हुआ नजर आ रहा है। और जो इसकी न्यूज है वो एकदम पॉजिटिव है। आपको पता होना चाहिए कि अभी जो दिसंबर और जनवरी महीने में जितने भी सब्सक्राइबर्स ऐड किए हैं उसमें भारती एयरटेल टॉप पे, मतलब जियो से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जिसने ऐड किए हैं उसका नाम है भारती एयरटेल। और ये पिछले 12 महीने से लगातार सब्सक्राइबर्स गेन कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर भारती एयरटेल के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। और आपको पता होना चाहिए कि अभी क्वार्टर थ्री में भी ये कंपनी प्रॉफिट में आ गई थी, तो इसलिए यही बोलूँगा, भारती एयरटेल आपको अभी एक अच्छे मौके पर मिल रहा है। मेरे ख्याल से आने वाले समय में आपको मौके नहीं मिलेंगे भारती एयरटेल खरीदने के, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी आपके पास ऑप्शन है, आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। अब मेन रीजन क्या है वो भी ये भी है, प्राइस टू बुक रेशियो देखिए। पहले कंपनी लॉन्च में थी तो इसका पी रेशियो अवेलेबल नहीं है, ये देखिए 2.83 के प्राइस टू बुक रेशियो में मिल रहा है और लगातार लाइबिलिटीज कम हो रही है, मतलब आने वाले समय में जो बुक वैल्यू होगा वो भी बढ़ेगा। तो एकदम अच्छे वैल्यूएशन पर ये शेयर आपको भी मिल रहा है। और मेन बात क्या है, डिलीवरेबल देखिए, मतलब फ्राइडे को 55% के डिलीवरेबल इसके अंदर देखने को मिले। मतलब अगर 100 शेयर दिन में खरीदे गए थे तो उसमें से 55 शेयर, मतलब 55 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है। मतलब बहुत सारे लोग इसको अच्छे से कॉर्नर में कॉर्नर कर रहे हैं, तो उससे आने वाले समय में डिमांड बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो इसीलिए मैं यही बोलूंगा, यहां पर भारती एयरटेल मुझे एक अच्छा स्कोप नजर आ रहा है शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। अब ये देखिए, मार्केट में इतनी गिरावट आपको देखने को मिली, लेकिन भारती एयरटेल का जो शेयर था वो भी कंसोलिडेशन में ही था। अब वो क्यों था, क्योंकि तो देखिए पहले से देखिए 623 का इसका हाई है और पहले से ही इसमें लगभग 15% का करेक्शन आ गया है, तो इसमें और करेक्शन आने रहा है। इसका मतलब क्या है कि सेल करने वाले लोग कम हो गए हैं, तो आने वाले समय में लगातार इसकी डिलीवरी उठाई जा रही है, मतलब आने वाले समय में एक अच्छी खासी डिमांड बढ़ सकती है। तो जो लोग शॉर्ट टर्म वाले होल्डर, मतलब जिनको सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना है, उनके मैं यहां पे बोल सकता हूं कि अप्रैल एंड तक आप इसमें 600 रुपीज का टारगेट रख सकते हैं, और जो लॉन्ग टर्म के लिए है वो मेरे ख्याल से यहां पर आराम से इसमें बाइंग कर सकते हैं। और जिन लोगों ने पहले से भारती एयरटेल को बाय कर रखा है, मेरे ख्याल से बने रहिए, कोई भी इश्यू वाली बात नहीं है। अब जो दूसरा शेयर है वो है टाटा केमिकल। देखिए, टाटा केमिकल्स का आपको पता होना चाहिए कि अभी जो आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो रोल होने वाला है उसमें टाटा केमिकल्स का भी बहुत ही बड़ा रोल है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री का पीए 3.12 और जो कि ये इंडस्ट्री लीडर है, ये भी आपको इंडस्ट्री के मुकाबले सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। और देखिए ज़्यादा महंगा नहीं है, 2.87 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो ही है, तो देखा जाए बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहा है। और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि टाटा केमिकल एक ग्रोथ स्टॉक से, मतलब इसके अंदर आपको कैपिटल एप्रिसिएशन इतना मिल जाएगा, लेकिन वो देखिए उसके अलावा 1.46% का तो डिविडेंड भी यहां पर टाटा केमिकल देता है। और मेन तो क्या, बुक वैल्यू कंसोलिडेटेड बेसिस पर आपको 1.4 टाइम पे ये शेयर अभी मिल रहा है। तो अगर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात की जाए, तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एकदम अच्छे वैल्यूएशन पर यहाँ पर टाटा केमिकल्स मिल रहा है। तो जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो तो डेफिनेटली यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म, मतलब जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो भी यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। देखिए 795 का हाई है, पिछले ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए तो देखिए लगभग 5% की तेजी आपको टाटा केमिकल्स में देखने को मिली है, लेकिन उसके बावजूद ये अपने अगर इसके हाई से अगर हम कंपेयर करें तो हाई से आपको अभी भी 6% डिस्काउंट पे मिल रहा है। ऐसा नहीं कि एकदम ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ है। देखिए टाटा केमिकल्स एक ऐसा शेयर है जो कि आपको मेरे ख्याल से अगर मार्केट यहाँ से गिरता है, जैसा कि हमको पता है कि बॉन्ड डील्स लगातार बढ़ रहे हैं, अगर बॉन्ड डील्स बढ़ेंगे तो हो सकता है कि FIIs का जो लगातार जो बाइंग हो रही है वो सेलिंग में कन्वर्ट हो सकती है।
तो अगर टाटा केमिकल बाई चांस अगर 700 रुपये से नीचे जाता है तो जो लोग भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे मेरे ख्याल से बाइंग कंसीडर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे टाटा केमिकल्स में लॉन्ग टर्म में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि टाटा केमिकल्स का एक कंप्लीट एक अलग एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आए तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर इसके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। और देखिए जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मेरे ख्याल से यहाँ पर अभी जो बुलिश मोमेंटम मतलब जो 750 के ऊपर की क्लोजिंग इसमें हमको देखने को मिली है तो मेरे ख्याल से लगभग अगर यहाँ पे मार्केट पॉजिटिव रहता है तो यहाँ पे आपको 800 का टारगेट अचीव होता हुआ टाटा केमिकल्स में नज़र आ सकता है। अब तीसरा जो शेयर है वो मेरा मन पसंदीदा शेयर है वो है HCL टेक्नोलॉजीज। देखिए अभी थोड़ा सा मार्केट करेक्शन में मतलब जब भी थोड़ा सा IT स्टॉक गिरे थे तो उसमें HCL टेक में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। अब देखिए रीजन क्या है, इंडस्ट्री का PE 32.27 आपको मिल रहा है कॉन्सोलिडेटेड बेसिस पर भी और स्टैंड अलोन बेसिस पर, दोनों के वैल्यूएशन के हिसाब से आपको ये सस्ता मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि धंधा नहीं बढ़ रहा है, देखिए जितना धंधा आपको इन्फोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इनका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उतना ही HCL टेक का भी आपको धंधा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए 1.04% का यहाँ पे डिविडेंड भी है। देखिए HCL टेक्नोलॉजीज एक ग्रोथ स्टॉक्स मतलब शेयर का प्राइस की लगभग 15-20% साल में बढ़ जाता है, उसके अलावा आपको 1% का इसमें साल का डिविडेंड मिल जाएगा। और अगर आप प्राइस टू बुक देखोगे तो वो भी खासा अट्रैक्टिव है, कंसोलिडेटेड बेसिस पर 5.07 टाइम की है। तो देखिए यहाँ पर HCL टेक्नोलॉजीज एकदम अच्छा कंसिडरेशन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। अब देखिए ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए 1067 का हाई है मतलब अपने हाई से ऑलमोस्ट आपको 10% डिस्काउंट पे मिल रहा है। अगर आप इन्फोसिस को देखोगे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को देखोगे तो TCS फिर भी आपको 10% डिस्काउंट पे मिल रहा है, लेकिन अगर आप TCS को देखोगे तो उसका ग्रोथ रुक गया, वो 10% से ज़्यादा का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हमको TCS में देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन HCL टेक्नोलॉजीज में आपको हर साल कम से कम 15% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो इसलिए मेरे ख्याल से HCL टेक्नोलॉजीज के लिए भी मैं एकदम बुलिश, मेरे ख्याल से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखिए मेरा एक और रीजन ये भी है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए एक और रीजन है वो है लगातार बॉन्ड डील्स बढ़ना। देखिए अगर बॉन्ड डील्स बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, FIIs का माल मतलब इंडियन मार्केट में सेलिंग आ सकती है। तो देखिए अगर इंडियन मार्केट में सेलिंग आएगी तो उससे क्या होगा, FIIs का माल बाहर निकलेगा तो उससे डेफिनेटली आपको डॉलर का प्राइस बढ़ता हुआ नजर आएगा। और देखिए अगर डॉलर स्ट्रांग होगा एज कंपैरिजन टू इंडियन रुपीज तो उससे सबसे ज़्यादा फायदा होगा HCL टेक्नोलॉजीज को। देखिए जितना इन्फोसिस TCS इनका वहाँ पे USA में काम नहीं है उतना HCL टेक्नोलॉजीज का है, तो इसीलिए मेरे ख्याल से अगर डॉलर स्ट्रांग होता है तो मेरे ख्याल से HCL टेक्नोलॉजीज कोई भी IT स्टॉक इन्फोसिस टेक महिंद्रा TCS और उसके अलावा विप्रो कोई भी IT स्टॉक आप यहाँ पर बाय करने को देख सकते हैं, क्योंकि अगर डॉलर स्ट्रांग होगा तो मार्केट को अगर वापिस चढ़ना होगा तो उनके लिए यहाँ पर IT स्टॉक्स उनके लिए मदद बन सकते हैं। क्योंकि जब अगर सीधी बात है डॉलर जितना चढ़ेगा उतना आपको इनका कन्वर्जन रेट का प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा। तो जो भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं मेरे ख्याल से यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। और इसकी 950 से ऊपर की क्लोजिंग है, क्योंकि बता रहा अगर मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव रहता है तो ये आपको 1000 रुपये से ऊपर भी जाता हुआ नजर आ सकता है। तो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे 1000 रुपये का टारगेट रख के चल सकते हैं। और अगर बाई चांस ये 1000 के लगभग मतलब 1020 का लेवल भी तोड़ता है तो मेरे ख्याल से 1050 का लेवल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि जो 3 स्टॉक्स मैंने आपको बताया वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वैसे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस लेकर ही काम करना है। तो दोस्तों अब मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोज़ इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।